गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल द बेस्टियन फैमिली। और लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कौन माउंटेन्स में जा रहा है, पहाड़ों में जा रहा है, उत्तराखंड कौन गया है। तो आज चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि रात को लेट हम सोए, क्योंकि रात को लेट वो निकले थे, गए लोग 11-12 बजे निकले होंगे, तो लेट सोए, 1 बजे तक हम सोए हैं। तो मैं तो आज बहुत लेट उठी हूँ, 8:30-9 बजे मैं उठी हूँ। तो अब उठ के ही सीधा फ्रेश फ्रेश होके अब मैं यहाँ पर अपनी चाय बना रही हूँ। सो चाय पीते हैं जी। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। ब्रेकफास्ट में आज हम गोभी की सब्ज़ी सोच रहे हैं बनाने की, तो ज़्यादा नहीं बनाना। तो थोड़ा सा मैं सबसे पहले मैं जब गोभी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो हल्का सा बॉईल करती हूँ, बिल्कुल हल्का सा, और उसे थोड़ा स्टीम होने देती हूँ। अब मैं इसकी बनाने की तैयारी करती हूँ। मैं बनाने स्टार्ट करती हूँ सब्जी। और नहीं देखो ये विवान क्या कर रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ विवान क्या कर रहा है। विवान क्या कर रहे हो अभी? अच्छा हाय कर दो, अच्छा हेलो कर दो विवान, हाय कर दो, क्लैप कर दो, क्लैप कर दो, कर दो भाई, सब देख रहे हैं आपको, क्लैप कर दो। मोड नहीं है। तो चलिए मेरी सब्जी बन रही है, तो अब मैं ऐसे बनाती हूँ सब्जी अपनी। ओके विवान की मस्ती देखिए। ऐसे मत करो, लिंटे मत करो विवान। लड़के इतने शरारती होते हैं, आप सब बताना कि लड़के ही इतने शरारती होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां बहुत अच्छी शांत होती है, ये लड़के बहुत ही शरारती होते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टीम की हुई गोभी ऐड कर दी है, और जो नमक है वो भी मैंने डाल दिया है, बट लाल मिर्ची और धनिया पाउडर मैंने इसलिए नहीं डाला है बिकॉज वो चिपकने लगेगा नीचे। तो थोड़ा इन्हें स्टीम होने दो, उसके बाद मैं फिर ऐड करूँगी धनिया पाउडर और लाल मिर्च। और आज नाश्ते में मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ फ्रूट्स लूँ, तो मैंने यहाँ पे पपीता और अंगूर का एक सैलेड सा बनाया है, और मैं इसे नमक के साथ खा रही हूँ, और साथ के साथ विवान का खाना भी रेडी करती हूँ। क्या हो रहा है ये? ये देखिए फ्रेंड, मेरा इतना प्यारा पर्स था, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था मुझे वैलेंटाइन। देखिए घर में बैग को अंदर रखे हुए, देखो इसकी क्या हालत हो गई है, इतना प्यारा प्रिटी बैग था। ये देखिए,
इस तरीके से, और ये चेन। विवान क्या कर रहे हो आप? ये देखो, देख रहे हो, ऐसे ही मेरे बहुत सारे बैग ख़राब हो गए हैं दीवान के अंदर ही, क्योंकि यूज़ हुए नहीं, और पूरे 2 साल तो पैंडेमिक को ही हो गया। आप देख सकते हैं, ये देखिए, अब इसे डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, किसी काम का नहीं है। इतना अच्छा कलर था इसका, बहुत कम ही मैंने इसे यूज़ किया था। ये देखिए, बहुत दुख हो रहा है। मम्मी बना रही है, क्या बना रहे हो मम्मी? सौंठ। पहले से भिगाते हैं ना, गीला करके फिर सुखाते हैं ऐसे। तू अच्छा, ये बन रहा है नेचुरल घर का सौंठ, घर का बनाओ और खाओ। क्या कह रहे हो मम्मी, बोलो ना। मम्मी कह रही है, और किसी में दिमाग हो तो घर पे भी बना लो सौंठ, इतना महंगा महंगा लेते हो। सो फ्रेंड, आपको मैं अब एक दो दिन से दिखाना चाहती थी, पर टाइम नहीं मिल पाता था। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे बर्थडे में मेरे हस्बैंड ने एक साड़ी गिफ्ट की थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो पैक दी है, मैं आपको दिखाऊंगी वो किस तरीके की साड़ी है, और बहुत अच्छी साड़ी, आई होप आपको वो अच्छी लगेगी। क्योंकि मुझे जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुझे क्या, वो हर साल ऐसे ही बोलता है कि तुझे बर्थडे में क्या चाहिए। तो जैसे लास्ट ईयर का जो मेरा बर्थडे था, उसमें मैंने बोला नहीं था कि मुझे क्या चाहिए, बट मुझे उन्होंने फ़ोन गिफ्ट किया था। मुझे मेरे पास ऑलरेडी एक आईफोन है जो एक साल से ऐसी अलमारी में पड़ा है, क्योंकि मैं यही वाला फ़ोन यूज़ करती हूँ जो गिफ्ट मुझे मिला है। और इस साल उन्होंने पूछा क्या चाहिए, तो मैंने कहा मुझे एक साड़ी दिला दो, क्योंकि मुझे साड़ी बहुत पसंद है। मैं आपको वो दिखाऊंगी वो साड़ी, और आई होप वो आपको भी अच्छी लगेगी। तो चलो अभी दिखाऊंगी। अब यहाँ पे दाल बॉयल्ड होने के लिए रखी हुई है, मोटे मिक्स दाल, ये पापा बना रहे हैं, दिन का लंच पापा बना रहे हैं। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, मैं अभी नहा के आई, तो थोड़ा मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, तो मेरी यहाँ पे चाय बन रही है, उसके साथ मैं आपको दिखाऊंगी वो साड़ी। चाय रेडी है, और आपको मैं चलिए अब साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी, ये पल्लू है, और ये ब्लाउज है। तो ये साड़ी है, कभी मैं इसे रेडी करके वेयर करूँगी तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो में भी आपको शो करूँगी। तो ये साड़ी है, तो कैसी लगी आप बैक कैमरे से भी दिखाती हूँ कैसी लगती है। तो यहाँ पे पापा ने दाल रेडी कर दी है, ये मोटी मिक्स दाल है, इसको हम राइस के साथ सर्व करेंगे। और ये रहे राइस, और हमारा अच्छे से लंच हो गया था, और उसके बाद मम्मी पापा आराम कर रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ से पानी लीकेज हो रहा था सिंक से, तो मेरे पास वाइट सीमेंट पड़ी थी, मैंने खुद ही उसका पेस्ट बना के, और सोचा क्यों ना ये सारा कवर कर दूँ कि पानी लीक ना हो। तो इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, यहाँ इस जगह से पानी लीक होता था बेसिकली। सो गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और आई होप कि आपको ये ब्लॉग थोड़ा अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे से जितना होगा मैं आपके लिए और अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।